बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद रफाकत अली गिलानी है, साबिक मुशीर हूँ वज़ीर आला पंजाब। और सबसे पहले तो मैं जो 9 मई को जो वाकयात हुए उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ, क्योंकि ये मुल्क भी हमारा है और हमारी फ़ौज भी हमारी अपनी है। और जो कुछ हुआ, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, तनसीबात पर हमला किया गया, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। ख़ास तौर पे शहदा की जो यादगार उनको जो उनके साथ बेहरमती की गई, मैं उसके लिए अफसरदा भी हूँ और उसकी मजम्मत करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरा ताल्लुक़ जिस ख़ानदान से है, हम पुरअमन लोग हैं और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पुरतशद्दुद सियासत ना हमने की है कभी और ना ही हम करना चाहते हैं। तो लिहाजा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करता हूँ, और मुझे मेरे हलका से टिकट दी गई थी, मैं वो भी वापस करता हूँ। और इंशाल्लाह अपने हलके की आवाम की और मुल्क कौम की खिदमत में जारी रखूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। देखें जी, मैं किसी डर खौफ से नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा। ये जो कुछ हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ, सब जानते हैं। माजी में कुछ इस तरह की चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन जितना शदीद नुकसान इस 9 मई को हमारे मुल्क का हुआ है, मैं समझता हूँ इसका अजाला भी पता नहीं मुमकिन है या नहीं है। तो इस हवाले से मैं इसकी पुरजोर मजम्मत कर रहा हूँ और मैं पार्टी छोड़ने का ऐलान। 9 मई को जो वाकया हुआ था उसके बाद आज तकरीबन 22 दिन हो गए हैं, में आपने कोई ऐसा नहीं किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो अब आप इस हवाले से ऐसा है कोई बर्डन हो, प्रेशर हो किसी भी हवाले? देखिए जी, मैं आपको बताऊँ, हर कोई अपने टाइम पे जिसको जब मौका मिल रहा है वो कर रहा है, शायद मेरे बाद भी पता नहीं कितने लोग करेंगे। तो इस हवाले से किसी से आप ये नहीं कह सकते आपने पहले किया है या आपने बाद में किया है, नहीं मेरे पे कोई सियासी दबाव नहीं। आप किस पार्टी देखिए जी, मेरे नोटिस में नहीं है कि इसकी कोई प्लानिंग की गई थी, लेकिन ये प्लानिंग से हुआ है या अचानक से हुआ है, जो कुछ भी हुआ है और मुल्क भी हमारा है, तो दुनिया को जो मैसेज गया वो बड़ा गलत गया।